आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं विजय गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा पीसीसी के बारे में, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कौन कौन से देश हैं जहां पर अगर आप एक इंडियन हैं और वहां पर काम करने के लिए आप जा रहे हैं तो पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में तो कई देश हैं, 196 देश हैं, लेकिन अगर आप इन देशों में अगर आप जाते हैं काम करने के लिए तो यहाँ पर पीसीसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ईमेल किया और जो मैसेज किया कि सर कौन कौन से देश में पीसीसी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पीसीसी लगाना ज़रूरी है और कहाँ अगर हम जाएंगे काम करने के लिए तो हमें पीसीसी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आज मैं आपको बताऊँगा कि पीसीसी किस देश से रिक्वायर्ड है, कहाँ पर ज़रूरी है, कहाँ पर आपको लगाना है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीजा की वीडियो डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशन फुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे पीसीसी मतलब पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें बताया जाता है पुलिस की ओर से कि आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आप का जो कैरेक्टर है बड़ा ही अच्छा है। तो इसलिए ये बनता है पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी, और इसी के बेस पे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आपको वर्क वीज़ा देते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से देश हैं जहाँ पर आप अगर जा रहे हो काम करने के लिए तो पीसीसी सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले लगता था पीसीसी अगर आप सिटीजनशिप ले रहे हैं या परमानेंट रेसिडेंस ले रहे हैं तो पीसीसी लगता था, लेकिन आज अगर आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं, कहीं पे काम करने के लिए आप जा रहे हैं, वर्क परमिट पे आप जा रहे हैं तो पीसीसी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ देश हैं जहां पर पीसीसी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से देश हैं इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मांगने वाले जो देश हैं उनकी जो लिस्ट है, उनकी जो सूची है, उसमें कौन कौन से देश हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, यूएई, यमन। 16 ऐसे देश हैं जो मैंने आपको नाम बताया। इन 16 देश में अगर आप जाते हैं काम करने के लिए तो आपसे पीसीसी लिया जाएगा। पीसीसी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से नाम आपको बोल देता हूँ, नाम आपके सामने फ्लैश भी हो रहा है। देश हैं अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, यूएई और यमन। 16 ऐसे देश हैं जहां पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको पीसीसी की ज़रूरत है, बिना पीसीसी के आप वहां पे काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वर्क वीज़ा अगर आपने अप्लीकेशन किया, वर्क वीज़ा आपका तभी लगेगा जब अपना पीसीसी आप सबमिशन करोगे हाई कमीशन में, तो ही आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। तो अगर इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सऊदी अरब का वर्क वीज़ा आप अप्लीकेशन करते हो, सऊदी अरब का वर्क वीज़ा आप लेते हो तो पीसीसी की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब के हाई कमीशन ने, एम्बेसी ने कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट किया था कि सऊदी अरब पीसीसी की रिक्वायरमेंट है उसको उसने खत्म कर दिया है। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और सऊदी अरब जाना चाहते हैं आप काम करने के लिए तो पीसीसी जरूरी नहीं है। अगर आपसे पीसीसी मांग लेते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन पीसीसी जरूरी नहीं है। कुछ केस में मांग भी सकते हैं, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट था, जो जरूरी था, वो खत्म कर दिया, क्योंकि सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि लोग को परेशानी ना होगी। पीसीसी बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लोग थाने जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, फिर वहाँ पर टाइम लगता है, 10 से 12-15 दिन लग जाता है पीसीसी मिलने में, और इसमें से बहुत सारे लोगों का वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है। कि पहले तो आप अपॉइंटमेंट देखेंगे कि अपॉइंटमेंट आपको कब मिल रहा है, फिर अपॉइंटमेंट आपको मिल गया तो उसके बाद फिर 10 से 12 दिन 15 दिन आपका और लग जाता है, तो काफ़ी 1 महीने का टाइम आराम से निकल जाता है। कभी कभी अपॉइंटमेंट इतनी देर मिलता है कि आपका 2 से 3 महीने लग जाता है और इसमें जो वीज़ा है आपका वो एक्सपायर हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था लोगों को। ये है, उसने ये नियम निकाला कि उस शुरुआत में उन्होंने मांगा था कि पीसीसी इंपॉर्टेंट है, पीसीसी लगेगा, लेकिन फिलहाल पीसीसी ख़त्म कर दिया है। तो अगर आप जा रहे हैं सऊदी अरब काम करने के लिए तो पीसीसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो 16 देश हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे आप जा रहे हैं काम करने के लिए तो पीसीसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं तो पीसीसी की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि दुनिया में कौन कौन से देश हैं जहाँ पर अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और आप वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए तो पीसीसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।